नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी। चुनावी मौसम में दल बदल का दौर जारी है। कोई हाथी पर सवार है तो कोई साइकिल पर, किसी ने कमल थामा है तो किसी ने हाथ। लेकिन क्या ये टिकट ना मिलने की टेंशन है या कुछ और? क्योंकि जिस तरह सियासी महायुद्ध में दल बदल का खेल खेला जा रहा है, उससे सरकार बने या ना बने, मगर चुनावी समीकरण जरूर डगमगा सकते हैं। चूंकि बात सिर्फ किसी छुटभैया नेता की नहीं है, बल्कि राजनीतिक दिग्गजों की है, जिनके यहां से वहां जाने पर अब बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जंग होगी। लेकिन सवाल है कि टिकट की टेंशन और टकरार के बीच मौजूदा सांसदों का पत्ता साफ करना बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ने वाला है? क्योंकि साक्षी महाराज पहले ही कह चुके हैं कि वो उन्नाव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जबकि पार्टी हाईकमान उनको टिकट देने की सोच में नहीं है। इसके बाद बगावती सुर भी उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी के शत्रुघ्न का नाम भी कटना संभव है। कुल मिलाकर दलों में प्रत्याशियों के नाम अभी ना जाने अभी कितनी सूची जारी होंगी, मगर अपने नाम पर मोहर ना लगने का भय इतना कि नेताजी इधर चला मैं उधर चला की स्थिति में भाग रहे हैं। इसके बाद कुछ सवाल है मुद्दे की बात में, वो सवाल हम आपको बताते हैं। क्या टिकट बंटवारा पार्टियों के लिए बन गया है टेंशन? मुद्दे की बात में पहला सवाल यही है, क्या टिकट बंटवारा पार्टियों के लिए टेंशन बन गया है? वाकई में टेंशन की वजह से क्या लोग दल बदल रहे हैं? टिकट ना मिलने से कैसे बदल जाती है विचारधारा? अक्सर कहते हैं विचारधारा नहीं थी इसीलिए मैंने छोड़ दी पार्टी। दल बदल से किसे फायदा, किसको नुकसान पहुंचेगा? और सवाल ये भी, पार्टी बदलना क्या टिकट मिलने की गारंटी है? क्या सियासी रण में बागी बिगाड़ेंगे चुनावी समीकरण? सवाल और भी है, मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से पार्टियों को होगा फायदा? तो ये सवाल है जिनके बारे में हम लगातार बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, तो मेहमानों से हम जरूर बात करेंगे कि दल बदल से किसे फायदा किसे नुकसान होगा। लेकिन जिन लोगों ने दल बदला है उनकी भी सुन लेते हैं। श्यामा चरण गुप्ता जो कि अब सपा के प्रत्याशी बन गए हैं, बांदा से बीजेपी के सांसद थे, उनका क्या कहना है? बीजेपी के नेता जो अब बन गए हैं टॉम बटक्कन, जो कांग्रेस के नेता थे और साथ ही साथ बीएसपी के नेता जो बन गए हैं, जेडीएस के महासचिव थे दानिश अली, दल बदलने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा है जरा आप सुन लीजिए। 5-7-10 हज़ार वोटों को एक टेलीफोन में घटा बढ़ा सकता हूं, इधर से उधर कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में उस पर भी मुझे नहीं पूछा गया, किसी कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता, नहीं बुलाया जाता। देखिए, मेरा जेडीएस के जब से इंसेप्शन था हुआ तब से मैं लगातार जेडीएस में रहा, और वजह सिर्फ ये कि क्योंकि जेडीएस का कोई बड़ा संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ में जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरी कितनी भी कोशिश के बावजूद मैं उस पार्टी को यहाँ नहीं खड़ा कर सकता था। और मेरा पहले से आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है, जो बहुजन समाज के लिए, दोस्तों बात ये आइडियोलॉजी का नहीं है, ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़। तो ये वो लोग हैं जो कभी बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में चला गया, तो कोई कांग्रेस में था बीजेपी में चला गया, तो कोई अन्य पार्टियों में चला गया। किसी ने कहा कि सेना के शौर्य पर अगर सवाल उठाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो किसी ने कहा कि कर्मभूमि के लिए पार्टी छोड़ी है, तो किसी ने कहा कि भाई हमारी जो सम्मान है वो सबसे पहले था, हमारा सम्मान नहीं हुआ है इसीलिए छोड़ दिया। क्या वाकई में ये सब कुछ है या फिर सिर्फ दल बदल टिकट के लिए हो रहा है? ये आया राम गया राम कितना पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिरुद्ध सिंह बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे, सत्ताधारी दल कितना नुकसान पहुंचाएंगे आया राम गया राम, स्वागत है आपका। एस के मुखर्जी साहब
जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलडी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा के पूर्व मंत्री शकील खान, बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम जितने भी गेस्ट जुड़े हैं, एक एक करके हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि डिबेट इस पहले शुरू हो या क्रॉस क्वेश्चन करें जरूरी है कि आप अपनी बात रखते। सबसे पहले तो बीजेपी की तरफ से ही सवाल, अनिरुद्ध जी आपसे सवाल, ये आया राम गया राम कितना खेल बिगाड़ सकते हैं आप लोगों का? सबसे बड़ा झटका तो आप ही लोग को लगा। नहीं, कोई खेल नहीं हम लोगों को बिगाड़ने वाला है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देना चाहती है, तो कुछ लोग हैं उनके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब लोगों की बढ़ने लगती है तो लोग कुछ भी करने के लिए उतारू होने लगते हैं। तो अब कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो उनको हमको वहाँ टिकट मिले, कुछ लोग सिर्फ टिकट की राजनीति, तो ठीक है वो जाएं। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे 10 करोड़ कर्मठ कार्यकर्ता हैं, विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो बहुत लोगों की इच्छाएँ होती हैं, उन इच्छाओं को हम नहीं पूरी कर पाते हैं। बहुत लोगों के ऐसे होते हैं कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे इलाहाबाद के हमारे माननीय सांसद जी का भी मैं सुन रहा था, बीजेपी में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं, और मैं बीजेपी की नहीं बहुत से राष्ट्रीय पार्टी की बात करता हूं, कि वो पूरी जीवन खपा देते हैं और वो बेचारे निगम पार्षद का भी टिकट नहीं पाते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ दल के लिए और राष्ट्र के लिए होता है, उनकी अपनी कोई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी में नहीं वरन कई पार्टियों के अंदर हैं, जो काम करते हैं सिर्फ उनके लिए सांसद बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना। हमारे जैसे बहुत युवा हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी अपने संगठन के लिए नियमित रूप से जो भी उनसे बन पड़ता अच्छा काम करते हैं। तो बीजेपी में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बीजेपी में फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको बता दें आरएलडी सपा और बसपा का गठबंधन है, एसके मुखर्जी साहब कितने मजबूत हो गए? कितने मजबूत हो गए? श्यामा चरण जी एसपी में शामिल हुए आप लोगों का, क्योंकि गठबंधन है इसीलिए आपसे सवाल कर रही हूँ। मजबूती की बात जहाँ तक है, हर व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है। जो काम गवर्नमेंट मोदी जी बाद में करेंगे इलेक्शन के बाद, वो लोग अपने आप पहले से कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि वो लोग चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनका आने की मजबूती तो होती है। हर आदमी का अपनी स्थान होता है, आप किसी के स्थान का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि वो सज्जन कह रहे थे अभी, हाँ, कि हम इतनी वोट बदल सकते हैं, मैं ही नहीं कह सकता कि कितनी बदल सकते हैं, पर हर एक का अपना अपना स्थान होता है। स्थान यदि वो बीजेपी के अंदर हैं तो उनका स्थान ठीक है, वो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। यदि किसी दूसरी साइड में आ जाते हैं, अपोजिशन में चले जाते हैं, तो वो अयोग्य हो जाते हैं या योग्यता नहीं रहती, ये गलत है। मेरा कहना बिल्कुल ठीक है, अपने स्थान पर हर आदमी का अपना अपना प्रभाव। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात है। शकील खान जी सपा में शामिल हो गए, श्यामा चरण सिटिंग सांसद बीजेपी के, बड़ा झटका, और आप लोगों ने फट से बांदा से टिकट भी दे दिया। बांदा बीजेपी की सीट है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये लोकतंत्र है, हर पार्टी का अपना अपना वो है, कौन किस पार्टी में आता है जाता है। हमारा महागठबंधन महापरिवर्तन की ओर चल चुका है। श्यामा प्रसाद चरण जी मेरी पार्टी में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और कौन किसके लिए फायदा पहुंचाएगा, कौन नुकसान पहुंचाएगा, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है? फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है? ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग आते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में लोग आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मेरा गठबंधन महागठबंधन 3 पार्टी का है, और हमने निषाद पार्टी को भी लिया है, और छोटे छोटे दल है, और बाकी को ले रहे हैं, बाकी को आप लोग ले रहे हैं तोड़ तोड़ के सेंधमारी करके ले रहे हैं। बौखला गई है। ठीक है, अब भाई श्याम चरण गुप्ता जी आए हैं, नहीं तोड़ तोड़ के हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग तोड़ तोड़ के किसी को नहीं ले रहे हैं, जोड़ रहे अपनी, ये अपना अपना विचार है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपना, जी लोकतंत्र में सबका अपना अपना हक है। हर आदमी कहाँ कौन कहाँ जाना चाहता है, किस पार्टी में जाता है, वो हमारी पार्टी में आए, हमने उनका स्वागत किया, हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया। भाई इस लायक थे श्यामा चरण गुप्ता जी कि उनको टिकट दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, घुटन महसूस करते थे, उन्होंने बताया
भारतीय जनता पार्टी तो बहुत घुटन है, बीजेपी में बहुत घुटन है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम आपको वक्त देंगे। हमारे जो अन्य मेहमान है, अन्य वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, सुना आपने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया, मैंने इसलिए ली पहले क्योंकि उनका भी जानना बहुत जरूरी है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से आप देख रहे हैं, 1967 के बाद से हम देख रहे हैं, ये आम सी बात हो गई है। इधर तारीखों का ऐलान हुआ नहीं कि दल बदल शुरू हो गए, कोई नई बात नहीं है। ये आया राम गया राम कितना नुकसान पहुंचाते हैं सत्ताधारी दल को, जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी है। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव का जो मौसम आता है तो उस समय, जैसे अभी जब तक नॉमिनेशन फाइलिंग होगी तब तक ये प्रक्रियाएं चलेंगी, और एक दल से दूसरे दल का लोगों का जाना और एकोमोडेशन पीरियड, इसको आप बोल सकते हैं, ये एकोमोडेशन पीरियड चलेगा वो कैंडिडेट के ख्याल से, पार्टी के ख्याल से, फाइनल नाम तय करने के ख्याल से। लेकिन सबसे एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चिंता है जिस और हम सबका ध्यान दिलाना चाहते हैं। अब देखिए, पहले हम लोगों ने दल बदल विधेयक लाया, तब क्योंकि होता क्या था कि सरकार गिराने में बनाने में ये संख्या का जो खेल होता है उसमें तोड़ लिया जाता था सदन में बहुमत के लिए और सरकार बना ली जाती थी। तो इस समस्या से निदान के लिए हम लोगों ने दल बदल विधेयक कानून बनाया, लेकिन उसके बाद भी उसमें विकृतियां आई हैं। अब और महसूस की जा रही कि उसमें कुछ और सुधार किए जाएँ, लेकिन ये जो होता है कि चुनाव के ऐन वक्त पर पार्टियों का बदलना, और कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम अपने दरवाजे खोले रखे हैं या बंद कर देंगे, हर पार्टी से लोग जाते हैं और हर पार्टी में लोग आते हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, मैंने सुना, सबके लिए इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। सब यही कहते हैं कि लोकतंत्र है, जैसा मन है लोग करेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है इस मौके पर चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के बीच भी, जिसे मैं फ्लोट करना चाहता हूँ, कि वो एक इवैक्यूएशन पीरियड या तो चुनाव से पहले एक बना दें, 1.5 महीने 2 महीने का, कि इस दौरान जिसको जो आवाजाही करनी हो वो कर लीजिए, और उसके बाद या फिर चुनाव आयोग एक नियम बना दे कि कम से कम 6 महीने का की सदस्यता जो है जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी से। अच्छा, तो, ये इसलिए तो भी कह रहे हैं। जो कुछ भी होना हो 6 महीने पहले हो जाए। तो इसलिए भी आप कह रहे हैं क्योंकि पहले दल बदल कानून नहीं था, आराम से आप पहले जीत लीजिए, जिस पार्टी के आप खो गए हैं उसके बाद जिसे सरकार बनानी है वो आपको न्योता दे देता था, लेकिन उसके बाद दल बदल कानून आया। कुछ उस तरीके से आप चाह रहे, कानून नहीं लेकिन हाँ कुछ नियम, कुछ सीमा में बांध देना चाहिए, आप शायद ये कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय में एक पीरियड ही घोषित कर दिया जाए कि इस पीरियड में जिसको जो आवाजाही करनी हो वो कर ले, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कम से कम 6 महीने की मेंबरशिप जो है उस पार्टी में होनी चाहिए जिस पार्टी का टिकट आपके आपको लेनी है। तो कम से कम ये होगा कि 6 महीने पहले तक लोग जो करना होगा पार्टी छोड़ना कर लेंगे या जोड़ लेंगे जी। तो इस तरह के कुछ रूल बनाने होंगे, नहीं तो ये जो अंतिम समय में ये एक तरह से जनता के सामने में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि सैद्धांतिक, आपकी सैद्धांतिक निष्ठा क्या है, आप व्यक्तिगत रूप से अपनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कितने ईमानदार हैं, उस पार्टी के प्रति कितने ईमानदार हैं जिससे अब तक आप जुड़े रहे, उस वो पार्टी जो आपको ऐन वक्त पे ले रही है, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है, वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कितनी ईमानदार है, सबकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा होता है। लोग दल बदल के सहारे ही जीतना चाहते हैं चुनाव। मुखर्जी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो मेरे अभी मित्र ने कहा वैकेशन पीरियड होना चाहिए या सर्टेन स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए इस चीज़ का कि कब किसको पाला बदलना है, ये तो बात ठीक है, जो सजेशन भी बहुत अच्छा है पत्रकार महोदय दे रहे हैं, पर उसका क्या इलाज है जहाँ पर कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी स्वयं परिवर्तन करा रहे हो इलेक्शन के बाद, तब जस्टिशन पीरियड कहाँ से आएगा, तब ये वेकेशन पीरियड कहाँ से आएगा। नॉर्थ ईस्ट हमारे सामने इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सरकारें बनी हैं, यदि जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, आप जीत करके आते हैं कैसे बनते हैं, आप किसको क्या कहते हैं, किसके प्रति निष्ठा रहती आपके, है आपके, सर, आपके सर, ही बात, आपकी ही बात में जोड़ रहा हूं। मैं सर लाइन बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, पर देयर शुड बी अ गाइडलाइन फॉर प्राइम मिनिस्टर आल्सो, नॉट ओनली फॉर द वर्कर्स और लीडर्स। मैं उत्तर देना चाहूंगा। मुखर्जी साहब, डिबेट बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मुखर्जी साहब ने वही है ना कि राजनीति जरूर करेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा डिरेल किया, आपको पता है जब कांग्रेस स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को टर्मिनेट किया है,
चुनी हुई सरकारों को टर्मिनेट किया है, जिनका आज गाना लोग गा रहे हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संस्थानों का अभिव्यक्त की आज़ादी की बात कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को टर्मिनेट किया है इस कांग्रेस ने। आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, अरे भैया नॉर्थ ईस्ट में जब दो तिहाई से ज़्यादा सांसद अगर उनको लगता है कि नहीं हम नहीं उनके साथ रह सकते, वो आ रहे हैं तो उसमें क्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो ये अपने मन से आ रहे हैं तो उसमें कौन क्या कर सकता है। बिल्कुल नहीं था मेरा शब्द, सिंपल ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ही एमएलएस की माइग्रेट की गई थी, बेसिक प्रिंसिपल चाहे एमएलए का हो या एमपी का, सबके लिए बराबर। अब मैं इसी बात में एक बात जोड़ना चाह रहा था मुखर्जी साहब की बात में, कि ये तो एक एक बात हुई। अब बिहार का उदाहरण ले लीजिए, जेडीयू नेता नीतीश कुमार जी महागठबंधन से चुन करके आए थे और अभी हाल में उनके प्रशांत किशोर जी ने कहा भी कि उनको फिर से मैंडेट लेकर के एनडीए के तरफ से जब वो आ गए हैं तो महागठबंधन वाला मैंडेट उनको नहीं रहना चाहिए, फिर से मैंडेट लेकर के आना चाहिए, ये उनका विचार है जिस पर बहुत हंगामा मचा। तो ये जो चीजें हैं कि चुनाव के बाद में एक महागठबंधन के साथ राजनीतिक जनादेश पाया जाता है और फिर उस महागठबंधन को का त्याग करके किसी दूसरे महागठबंधन के साथ में गठबंधन में जुड़ जाते हैं, ये भी एक नैतिकता है, ये भी बहुत बड़ा दल बदल है और ये भी पार्टी छोड़ने से बड़ा एक सैद्धांतिक अपराध है, अपनी नीति के प्रति अपराध है, जनादेश का अपमान है। ऐसी एक उदाहरण के माध्यम से ये बात मैं जरूर कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं कर रहा, ये पूरे देश पर इसको माना जाए। ठीक है, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। शकील अहमद जी, ये बताइए कि टिकट गारंटी है क्या, अगर आपने दल बदला है तो आपको टिकट मिल ही जाएगी, क्योंकि आपकी पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया, दल बदला और फॉरन टिकट दे दिया, सेटिंग थी। जी रजनी सिंह जी, सेटिंग थी यानी आपकी, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। बात कंप्लीट करिए आपकी। इस बात का खंडन करता हूं कि समाजवादी पार्टी जैसे ही कोई आता है उसको टिकट दे देती है। हाँ। हमारे दल ने जी जी बोलिए जी, हमारे दल में इससे पहले भी बहुत से लोग दूसरी पार्टियों से आए। हाँ। अभी भी आ रहे हैं, इससे पहले भी आ चुके, अब कौन किस लायक है। ठीक है, कौन किस लायक है, वैसे हम टिकट पर तकरार बरकरार है, किसने कहां से छोड़ी है वो भी आपको बता दें। कांग्रेस विधायक प्रकाश चंद बेरा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस को भी झटके लगे, बीजेपी को भी झटके लगे, शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसके नेता ने अपनी पार्टी पर विश्वास जताकर किसी पर भरोसा ना किया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिटिंग एमपी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ दिग्गज नेता हैं, बार बार सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि चुनाव के पहले दल बदल तो चलता रहता है, लेकिन चुड़भैया नेता नहीं है ये, दिग्गज है, कोई सांसद है, कोई चेतावनी दे रहा है, किसी को विश्वास ही नहीं है कि पार्टी उन पर भरोसा करके टिकट देगी, लिस्ट जारी होने के पहले ही उन्होंने दल बदल लिया। तो हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, तारुफ करा दे एक बार फिर से, अनिरुद्ध जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, एस के मुखर्जी साहब भी जुड़े हुए हैं, शकील खान जी भी जुड़े हुए हैं, उमाशंकर पांडे जी भी अब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उमाशंकर पांडे जी, स्वागत है आपका, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत देर से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हमने ले ली है दल बदल को लेकर, अब आपसे, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए टॉम वडक्कन, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे नेताओं को, वाकई में क्या दल बदल से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए रजनीश सिंह जी, चुनाव के समय निश्चित रूप से तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों में जाते हैं, लेकिन एक आकलन जो चुनाव के समय जनता को भी और तमाम लोगों को जरूर इस तरफ आकर्षित करती है कि जिस पार्टी में तमाम सारे पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे होते हैं तो इसका मतलब उस पार्टी की सरकार बनने वाली है, या ये कहें कि जनता का भरोसा उस पार्टी के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में लगातार सभी पार्टियों के लोग पूरे देश में शामिल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? सवाल ये नहीं है, कांग्रेस के लोग अगर बीजेपी में जा रहे तो ये मान ले कि बीजेपी की सरकार बननी है एक बार फिर मोदी सरकार।
जी हेलो, हाँ उमाशंकर, सवाल हेलो सवाल दोहरा देती हूँ, मैंने आपसे सवाल ये किया था आपके दिग्गज कांग्रेस नेता, देखिए नहीं आप ठीक है बोलिए, आप बोलिए, हाँ सुन रहे हैं, नहीं रजनी सिंह जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए, ये सर्टिफिकेट आप देगी कौन दिग्गज नेता है, या ये टीवी डिबेट में तय होगा कौन दिग्गज नेता है, कितनी बार के सांसद विधायक रहे आप बताइए, टॉम भड़क्कन इसके पहले पूरा देश में कौन जानता था, टॉम भड़क्कन आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, परिवार और कांग्रेस के इर्द गिर्द ऐसे तमाम दो टके के लोग टहलते हैं, रजनी सिंह जी आप उनको दिग्गज का सर्टिफिकेट दे सकती हैं, जो आदमी एमएलए एमपी मिनिस्टर कुछ रहा ना हो आप उसको दिग्गज नेता कह रही है, कांग्रेस की भाषा है, कांग्रेस की भाषा है ये, कांग्रेस की भाषा है कि ये परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाए, जनता जिसको ये परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाए कांग्रेस के लोग, बनाती है वो नेता बनता है वो नेता माना जाता है। अच्छा राहुल गांधी नेता है, अरे ये कौन है प्रभु, परिवारवाद का पाठशाला कौन चला रहा है, ये परिवारवाद का पाठशाला नेहरू से चल रहा है, नेहरू से चल रहा है, बात कर लीजिए पीयूष गोयल की कर लीजिए, आशुतोष टंडन की कर लीजिए, पंकज सिंह की बात कर लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं, खोल लिए यार, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बना है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बना है, आपके तरीके से आपके आप चाटुकारिता करना, परिवार की चाटुकारिता करना यही है, नहीं आपकी आप यहाँ परिवार की चाटुकारिता करना है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके दिखा दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके दिखा दीजिए, उमा शंकर जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके दिखा दीजिए, वहाँ पे नहीं बन सकते आप, क्योंकि आपके नाम के आगे गांधी नहीं लगा है, आपके नाम के आगे गांधी नहीं लगा है, आप नहीं बन सकते वहाँ पे, आप नहीं बन सकते वहाँ पे, लोगों को घुटन महसूस होती है, आपके संस्कार आपको वापस, आपके संस्कार कितने अच्छे हैं कि आपने बोल रहे हैं कि दो टके का एक राष्ट्रीय नेता को कांग्रेस के दो टके का बोल रहे हैं, करने का ही समय है आपका, करने का नहीं, आप जो भी है खत्म होने जा रहे हैं, 4-4 आप गुजरात देखिए, बंगाल देखिए, कर्नाटक देखिए, हर जगह लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसकी सरकार बन रही है उसी में लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा भाजपा में लोग आ रहे हैं, रोना तो आपको है, चाटुकारिता में जिंदगी बिता दिए है कांग्रेस जी के, आपके लिए इम्पोर्टेंट सांसद और विधायक है जो आपकी पार्टी में आए, अब कांग्रेस मनीष खंडूरी राहुल गांधी ने उन्हें शामिल कर लिया, वो कौन से सांसद हैं, कौन से विधायक हैं, फिर उनको शामिल करना क्या कहेंगे, वो कौन से नेता कहलाएंगे, कौन मेरे से पूछ रहे हैं, नहीं इनसे सवाल है, मनीष खंडूरी शामिल हुए ना, रजनी सिंह जी बात ये नहीं, देखिए जनता सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मनीष खंडूरी जी इनके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो अभी भी सांसद हैं, मैं देखिए मेरी बात समझिए, लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति का महत्व होता है, एक एक व्यक्ति का महत्व होता है और पार्टी बनती ही एक एक व्यक्ति से है, ठीक है आप मेरी बात पर विश्वास ना करें प्रेम कुमार जी, देखिए एक तो मनीष खंडूरी सांसद, रजनी सिंह जी सांसद है, और अभी देखिए कितने जल्दी पासा पलट लेते हैं, पहले कोई जाता है पार्टी से तो दो टके का है, कोई आता है नहीं, उनके पिताजी सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके आप कैसी बात कर रही हैं, मनीष खंडूरी को कौन कह रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं सांसद रहे हैं तो हमें फायदा होगा, ये समीकरण को समझ में नहीं आता है, आप समझाइए सर। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो फेज है नॉमिनेशन फाइल होने तक का जो समय है, ये समय राजनीतिक दलों के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होने वाला है, और ये मुश्किल हमारे कांग्रेस के मित्र से भी सुनने में समझ में आ रही है, बीजेपी के मित्र से भी समझ में आ रही है, तो ये मुश्किल सामने आएगी जब आप बताएंगे कि वडक्कन कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए, जब आप बताएंगे कि बीजेपी से छोड़ के खंडूरी जो है कांग्रेस में आ गए, दोनों जब बातें आएंगी तो दो तरह के स्वर भी मिलेंगे, एक जैसा कि एक दो टके का व्यक्ति भी सुनने को मिलेगा, और एक हमारे साथ जो जुड़ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत पावरफुल था, और अब हमारी तस्वीर जो है राजनीतिक तस्वीर फेवरेबल होने वाली है, ये भी बात सुनने को मिलेगी। लेकिन मूल बात यह है कि ऐन वक्त पर राजनीतिक दल ऐसे लोगों को अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए मौका क्यों देती है,
आपके पास पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसको तरजीह न देते हुए एन वक्त पर किसी को अपनी पार्टी में एंट्री कराना और उसको चुनाव के लिए टिकट देना, ये जो समस्या है राजनीतिक दलों के साथ, इसका जवाब देने के लिए राजनीतिक दल खड़े सामने नहीं होते, आपको जवाब देते हुए नहीं मिलेंगे। उसमें नुकसान दिखता है, फायदा इसमें है कि भाई हमारे से कोई जुड़ रहा है। लेकिन देखिए प्रेम कुमार जी कैसे सुर बदल गए, जब कोई जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो यही कहेंगे ना, लेकिन ये हर कोई जानता है कितना नुकसान और कितना फायदा दूसरों को होता है, ये हमने देखा। सवाल बीजेपी के नेता से है, अनिरुद्ध सिंह जी, आपसे सवाल। बीजेपी गुजरात की बात करें तो रेशमा पटेल ने पार्टी छोड़ दी, असम में बीजेपी सांसद रामप्रसाद शर्मा ने छोड़ दी, यूपी में भी हमने बता ही दिया श्यामाचरण गुप्ता ने छोड़ दी। ये आपके जो सिटिंग लोग जा रहे हैं, लगता नहीं है बहुत नुकसान होगा? आप कह रहे हैं दोबारा मोदी को पीएम बनाना है, अब की बार नहीं, इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, नहीं टेंशन नहीं है, टिकट कोई टेंशन नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, अगर जिसको रहना रहे, जिसको छोड़ के जाना बिल्कुल छोड़ के जाए। सबक नहीं लिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से? बिल्कुल, जिसको छोड़ के जाना बिल्कुल, पार्टी ने सख्त संदेश दिया है। जिसको ये क्यों देखना पड़ा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हार का मुंह इसलिए, सरताज सिंह वन मंत्री थे, आपने टिकट नहीं दिया, वो नहीं, अब ऐसे कई से मंत्री हैं। हाँ, ठीक है, देखिए ऐसा कई लोग होते हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो निगम पार्षद नहीं बने, हर पार्टी के अंदर होंगे, तो क्या हम सबको बार बार एक ही आदमी टिकट देते रहेंगे? रामकृष्ण कुसमरिया बागी हो गए, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया, जयंत मलैया जो हमेशा दमोह सीट से मध्य प्रदेश से जीतते रहे वो हार गए, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, नहीं, उसका, अब तो उसका, फाइनल इलेक्शन है, नहीं नहीं, तो नहीं कोई सबक लेने की, उसमें सबक लेने की क्या बात है? अगर जिसको अच्छा लगता रहे, जिसको अच्छा लगता है कि नहीं हम टिकट नहीं पा सकते, वो अगर जाना चाहते हैं तो जाएं उसमें। तो ऐसा, अभी तो लिस्ट भी जारी नहीं हुई, तो भी वो अपना समझे, वो अपना समझे, आपके लोगों को लग रहा है कि भाई अगर उनको ऐसा महसूस होता है, अगर उनको ऐसा महसूस होता है, अगर उनको, अगर श्यामाचरण जी को ऐसा महसूस हुआ तो अपना जा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में कोई वैल्यू नहीं होती है, पार्टी में वैल्यू सबकी होती है, पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो जो 50-50 साल तक जिसकी अति महत्वाकांक्षा हो, अगर जाना, पार्टी एक कर्मठ कार्यकर्ता की जरूरत हमेशा रही, अगर किसी की जरूरत नहीं है, अगर अति महत्वाकांक्षा उनके अंदर जाए, वो पार्टी को शत्रुघ्न सिन्हा की, अगर उनके अंदर अति महत्वाकांक्षा है तो छोड़ दे पार्टी को वो। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती कि कार्यकर्ता की इच्छा कि वो जिसकी मर्जी आ जाए और जिसकी मर्जी चला जाए। हाँ, हाँ। राजनीतिक दल की इच्छा के बगैर कोई पार्टी ज्वाइन कर, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ। छोड़ तो सकता है लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकता तो राजनीति, लेकिन एक परिस्थिति होती है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से कम 40% टिकट काटने वाली है सिटिंग सिटीज सिटिंग एमपीज की। तो वहां ये जो ताजा उदाहरण आपने दिखाया श्याम गुप्ता जी का, वो इलाहाबाद से सांसद रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उनका भी टिकट तय है कटना वहां। हाँ। से उरिता बगुणा जोशी जी को टिकट देने जा रहे हैं, ये मुझे। हाँ। जो सूचना है उसके मुताबिक। हाँ, हाँ। तो जब उनको पता लग गया कि टिकट मुझे नहीं मिलना है तो उन्होंने तुरंत अपना पुराना ठौर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ देखा, और उन्हें भी लगा कि इलाहाबाद में हम मजबूत कैंडिडेट अगर हमें चाहिए तो रीता बगुणा जोशी के खिलाफ में ये सिटिंग कैंडिडेट स्ट्रांग हो सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो परिस्थिति है, जैसे कोई पार्टी जो जिनके पास सिटिंग एमपीज ज्यादा हैं या खास करके सत्ताधारी दल के साथ ये ज्यादा लागू होती है क्योंकि उनके पास ज्यादा सीटें हैं, तो जब ज्यादा सीटें हैं और एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी है तो उनको नंबर बड़ी संख्या में टिकट काटने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी से बचना है तो टिकट काटना होगा। तो और जब टिकट काटा जाता है तो उसके बाद में वो लोग क्या करें जो इतने समय से मंत्री रहे या फिर सांसद रहे, तो उनको दूसरा ठौर देखना पड़ता है, तो इसलिए भी ये स्थिति है। ऐसा तो हमेशा से होता रहा है ना कि भाई नए लोगों को मौका दिया जाता है, ये नए लोग पार्टी के कार्यकर्ता युवा क्यों नहीं, ये बाहर से पैराशूट से उतारे गए लोग क्यों हमेशा आते हैं, उन पर भरोसा क्यों होता है, जो अभी अभी आए हैं वो पार्टी को मजबूत कर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये इनर डेमोक्रेसी का आप सवाल उठा रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल इस आंतरिक लोकतंत्र की कमी से जूझ रहा है, मनोनयन संस्कार जो है हर पार्टी में हावी है कि चिट्ठी लिख दिया वो तुम जिला अध्यक्ष हो जाओ, तुम जिला सचिव हो जाओ, जो नीचे से जो लोकतांत्रिक तरीके से ऊपर आना चाहिए नेतृत्व वो नहीं आता है, ऊपर से नीचे की ओर नेतृत्व आता है, ये लोकतंत्र की विडंबना है, इस वजह से ये ज्यादा चीजें हो रही है। अनिरुद्ध जी आप बताइए, अब इतने सारे नाम जो बताए थे उसके बाद चलिए ठीक है मैं आती हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया है तो तमाम नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके जवाब नेता दे नहीं पाते हैं और सवालों की बौछार बहुत सारी होती है, ऐसे ही बौछार सवालों की करेंगे मुद्दे की बात में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौटते हैं ब्रेक के फौरन बाद।
टिकट पर टकरार। जी हाँ, चुनाव आते ही अक्सर यही होता है कि टिकट ना मिलने की उम्मीद अगर नहीं होती है तो तुरंत पार्टी बदल दी जाती है कि शायद वहां से टिकट मिल जाए। तो सवाल ये है मुद्दे की बात में कि क्या पार्टी बदलना टिकट की गारंटी है कि अगर आपने पार्टी बदली तो आपको टिकट मिलेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्यामा चरण गुप्ता प्रयागराज से बीजेपी के सांसद, उन्होंने जैसे ही बीजेपी छोड़ी साइकिल पर सवार हुए, साइकिल ने बांदा सीट उन्हें गिफ्ट में दे दी और इतने जल्दी ये सब कुछ किया गया, उससे यही तो लग रहा है कि शायद आप पार्टी बदलिए और उसके बाद स्वागत टिकट के साथ होगा। क्या वाकई में ऐसा है और क्या दल बदल से सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को नुकसान होगा 2019 में? कई सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ एक बार फिर से करवा दूं मैं। बीजेपी की तरफ से अनिरुद्ध सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, एस के मुखर्जी साहब जो कि आरएलडी के नेता हैं, और साथ ही साथ शकील खान पूर्व राज्य मंत्री सपा के, और उमाशंकर पांडे नेता कांग्रेस। आप सबका ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे सवाल था, प्रेम कुमार जी ने जैसे कहा कि भाई अब विचारधारा कहीं है नहीं, पता कोई कह रहा है हमने कर्मभूमि के लिए छोड़ दिया, और टॉम वडक्कन कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाया इसलिए हमने छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी में टिकट ना मिलने की वजह से लोग छोड़ देते हैं। आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा हो रहा, हाल ही में कई नाम मैंने आपको बताया, श्यामा चरण का आप उदाहरण लीजिए, यहां आप टिकट नहीं देने वाले थे, खबरें उन्हें लग गई थी और देखिए उन्हें टिकट सपा ने दे दी। देखिए प्रेम जी ने, मैं प्रेम जी की अक्सर बातों से ज़्यादा सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन पहली बार उन्होंने एक बात बोली जिससे मैं अपनी सहमति दर्ज कराता हूं कि राजनीतिक दल के अंदर, खासकर लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप दिखा रही हैं कि अब इधर के लोग उधर या कुछ जाते हैं, सुबह कहाँ होते हैं शाम को कहाँ होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि हम कर्मठ कार्यकर्ता की हमारी पार्टी, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम कोई ऐसा नहीं कि हम परिवारवाद और यहाँ वंशवाद से चले हुए लोग नहीं हैं, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं। कैडर बेस्ड अगर पार्टी में नाम लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है। अगर किसी के अंदर अति महत्वाकांक्षा है, ठीक है, तो भाई जा सकते हैं, हम उनको पैर पकड़ के हम प्रयास करेंगे कि आप हमारे पास रुकिए संगठन के लिए। आप श्यामा चरण जी 5 साल सांसद रहे, संसदीय परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया, उनको अगर ऐसा महसूस होता तो वो शीर्ष नेतृत्व से बात करते, लोगों से बात करते, अपने जिला में बात करते, राज्य में बात करते, शीर्ष नेतृत्व से बात करते। अगर उनको महसूस हुआ, उनको लगा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता, उन्होंने बहुत अच्छा काम ना किया हो, या जो भी उनको लगा होगा कि उनको संगठन देगी वो चुनाव हारेंगे, ऐसा कुछ जो भी उनके दिमाग में जो भी चल रहा है तो चर्चा करते। अगर उन्होंने चर्चा नहीं किया, वो जाना चाहते हैं, बहुत से नाम आपने कहा शत्रुघ्न जी, अगर शत्रुघ्न जी को लगता है कि अति महत्वाकांक्षा जाना चाहे चले जाए, उसमें ऐसा नहीं है, साक्षी महाराज भी चले जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेके बोल रहा हूँ कौन जाना चाहे, अगर मैं भी, अगर मुझे भी अति महत्वाकांक्षा है अपनी पार्टी के अंदर कि मुझे ये बनना है और मेरी पार्टी मुझे वो नहीं बना रही, अगर मुझे अति महत्वाकांक्षा तो मुझे भी निकल जाना चाहिए। आपके सभी सांसद विधायक सब चले जाएंगे, 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप बताइए, नहीं आप बताइए, 15 सालों से आप थे लेकिन जी नहीं, आप ये बताइए, गुजरात के अंदर 6 से 6 उनके सिटिंग विधायक हमारे पास चले आते हैं, आप ममता बनर्जी के यहाँ वहाँ देखिए, वहाँ के बीजेपी के एमपी एमएलए हमारे यहाँ चले आते हैं, वहाँ की सिटिंग पार्टी बता रहा हूँ, वहां के सिटिंग लोगों को बता रहा हूँ कि वो छोड़ छोड़ चले आते हैं। मैं इससे तुलना नहीं कर रहा हूँ कि छोड़ के चले आते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिसके अंदर अति महत्वाकांक्षा है अगर वो जाना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा किसके मन में नहीं होती है ये बताइए, नहीं किसी के अंदर होती है, अगर उनके अंदर क्या 10 करोड़ की पॉलिटिकल पार्टी है, 543 सीट पे केवल चुनाव लड़ना है, क्या सारी सीटों पे 10 करोड़ लोगों को उतार दिए भारतीय जनता पार्टी उतार देगी? भाई जो लोग वहां पे लगता है कि विनिबिलिटी होगी, वो पार्टी में काम कर रहे हैं कितने सालों से, कई कई फैक्टर पे हम एनालिसिस करते हैं, हम टिकट देते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी महत्वाकांक्षा हमारी अति महत्वाकांक्षा है, हमें नहीं मिलेगा हम छोड़ देंगे, तो उनके लिए एक ही शब्द है कि वो जाएं, ठीक है जाएं, कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान होगा हमारा, पक्का कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होगा? हमारा कोई पक्का नुकसान नहीं होना है, ठीक है, आप डंके की चोट पर ये कह रहे हैं नुकसान नहीं होगा। एसके मुखर्जी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या अगर बीजेपी के जो दिग्गज है, यूपी में भी सरकार है, ज्यादा से ज्यादा भारत के राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग आपकी पार्टी से जुड़ते हैं या फिर गठबंधन से जुड़ते हैं तो क्या फायदा आप लोगों को नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आज आपके पास से जा रहे हैं इसीलिए आपको तो ये कहना ही चाहिए कि वो लोग आपके मतलब के नहीं है, या 2% के हैं या 2.5% के, तो आप जाने, हम तो किसी का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। एक चीज हम बताना चाहते हैं, क्वेश्चन हमारा भी है जी,
कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दी विनेबिलिटी इज द पॉइंट है। मेरे अभी लेटेड फ्रेंड ने कहा, बहुत अच्छी लगी मुझे बात, कि दी विनेबिलिटी पॉइंट है, तो फिर जो गौतम बुद्ध नगर में या लखनऊ में, लखनऊ से सिटिंग एमपी को यदि लखनऊ गौतम बुद्ध नगर लाया जाए या गौतम बुद्ध नगर में दूसरे किसी एमपी को लाया जाए, क्यों? क्या यहाँ पर मिनिस्टर नहीं है? क्या वहाँ के लखनऊ के जो एमपी है वो मिनिस्टर नहीं है? क्या वो दोनों काबिना के अंदर नहीं है? क्या दोनों में से कोई काम इनकम्पिटेंट है? एक मुझे कंप्लीट कर दीजिएगा सर, दोनों में से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता भी ये जानना चाहती है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि जनता भी ये जानना चाहती है, विनेबिलिटी की प्रश्न है, तो क्या आप इन दोनों में से किसी को भी ये मानते हैं? ये जरूरी नहीं है पार्टी छोड़कर जाए। आप जब स्थान परिवर्तन करते हैं तब एक दिक्कत ये आती है कि मैंने आपको इतने दिन मिनिस्टर आप में रह रहे, और जब मेरे सामने प्रश्न करने का प्रश्न पॉइंट आया तब आपने उनको पाला बदल करके आपने लखनऊ भेज दिया, लखनऊ से आपने गौतम बुद्ध नगर भेज दिया, क्यों? इसका क्या जवाब है? जवाब देंगे अनिरुद्ध? हाँ बिल्कुल, बीजेपी मुखर्जी साहब को इतना मजेदार प्रश्न है कि जवाब इनसे ही, इनकी विचारधारा से पूछना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी की जो पार्टी थी कि किसानों के वो पितामह, आज हम लोग बड़ा चरण स्पर्श उनका करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, चौधरी चरण जी का भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उनके पौत्र को सिर्फ 3 से 4 सीटों में संतोष करना पड़ रहा किसी तरीके से राजनीतिक बैसाखी चले, तो सबसे पहले उत्तर वो उसी चीज का ढूंढे। भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले हैं, हम आंतरिक लोकतांत्रिक से आए हैं, हमारे यहां ऐसा नहीं डिसाइड है कि अमित शाह जी के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी में डिसाइड है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कैसे होंगे। ये स्थान परिवर्तन, सीट परिवर्तन, आप बहस को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? आप उस बहस बताइए कि जयंत चौधरी जी का आज इतना बुरा हाल क्यों हो गया? मैं इसका जवाब, मुलायम सिंह जी मैं एक उसी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री रहा करते थे। मैं इतना जानना चाहता हूं, 1984 के अंदर भाजपा के माननीय अध्यक्ष जी का, अटल जी का आज नहीं है, मैं परम सम्मान करता हूं, उनका हस्र ऐसा क्यों हुआ था? ये कोई जवाब नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। हर आदमी का हस्र हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नहीं वो सब देखिए, जो ये लोग इलेक्शन भी हार चुके हैं, ये अध्यक्ष लोग भी इलेक्शन हार चुके, ये मत कहिए किसका हस्र क्या है। ठीक है, पीछे मत जाइए सर, अपनी अपनी पार्टियों को बचाइए, क्योंकि मैं अपना सच बता दूं, अभी जो मेरे बिल्कुल ठीक बात, नहीं ठीक बात है, मेरी बात सुनिए, मैं कहीं हमारे यहाँ से न छोड़ के कोई जा रहा है ना हमको, ठीक है आपका खुशी मनाइए, हमारे पास दरवाजे खोलिए। यदि विनेबिलिटी पॉइंट है तो मेरे लिए तो विनेबिलिटी पॉइंट नहीं है, पर आपके लिए विनेबिलिटी पॉइंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है उमाशंकर जी, आपने बड़ा ही शुरुआत में ही कह दिया कि भाई टोंग वडक्कन 2% के नेता थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राहुल गांधी ने भी कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि नहीं 23 मई को पता चलेगा। अब जरा ये बताइए कि मनीष खंडूरी को आपने शामिल किया, क्या पौड़ी से सीट देने वाले हैं? क्या ऐसी खबरें हैं कि भाई उनके पिता जहां से सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ आप उन्हें लड़वाएंगे, इसीलिए आपने वेलकम किया, क्योंकि ना वो सांसद है ना विधायक है, कुछ भी सदस्य भी नहीं है वो बीजेपी के, लेकिन आपने उन्हें शामिल किया और खबरें हैं कि पौड़ी से आप लोग टिकट देने वाले हैं, पहले फेस में चुनाव है? रजनी जी देखिए, ये तय करने का अधिकार हाई कमांड को है और उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कैंडिडेट्स तय होते हैं, तो मैं आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह सकता कि उनको पार्टी टिकट दे रही है या नहीं दे रही है। दूसरी बात, मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अभी कई सारी बातें आपने भी उठाई और बीजेपी के नेता ने भी कही, मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा रजनी सिंह जी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने बार बार कहा वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ मेंबर वाले हैं, एक्चुअली ये मिस्ड कॉल वाली पार्टी है जो मिस्ड कॉल से मेंबर बनाती है, और इनको बिल्कुल इस बात का गुमान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स में 40% फेक फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, और प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को भी फॉलो करते हैं जो लोकतंत्र में दूसरे खास करके पत्रकारों को गालियां देते हैं और पत्रकारों को मारने, वो भी जान से मारने जैसे मामले में शामिल पाए गए हैं, ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, उमा शंकर जी आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपोर्ट करते हैं, मसूद अजहर को मसूद अजहर जी बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले समर्थन करते हैं, आप क्या बात करते हैं? किसी के बीच में मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो आप ऐसे आए, अरे वो तुम्हारा फेक मीडिया था,
फेक सोशल मीडिया। अरे भैया तुम अपना देखो ना वहाँ पे जाके, तुम अपना देखो ना वहाँ पे जाके, टुकड़े टुकड़े वाले गैंग की जी बोलते हैं, मीडिया फेक होता है, आप मीडिया को फेक बोलते हैं, ये सन 75 नहीं 2019 है। बाद में साबित हुआ कि वो इनके गैंग के लोग थे। हाँ ये गैंग के लोग सन 75 नहीं, मीडिया पे पाबंदी 2019 है। ये सोशल मीडिया वाली सरकार है, ये टेलीविजन वाली सरकार है, ये फेक मीडिया वाली सरकार नहीं है कि मीडिया को प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये 2019 है, मीडिया स्वतंत्र है, इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार का क्या बोला था, क्या लगते थे आपको, वो जान चुकी है। मसूद अजहर को क्या बोला था, क्या लगते थे राहुल गांधी के, वो जी लगते थे नहीं देंगे, क्योंकि सच ये नहीं चाहिए, ये सच क्योंकि है ही नहीं है, देश द्रोहियों के साथ खड़े होने वाले हैं, सच बताएंगे। ये चिल्ला रहे हैं, ये इनका प्रलाप बता रहा है कि ये नहीं बता रही, आपकी बौखलाहट बता रही है, असफल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं, आपको सूझ नहीं रहा राष्ट्रद्रोहियों के साथ, आपका जवाब है। ये चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, तुम्हारे चिल्लाने से, अरे तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े हुए हो। का जो आडंबर है, आडंबर तो देख चुका है, सेना के साथ दलाली करने वालों, वो देश को दिखा रहा है। 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री जी पहनते हैं और 9 लाख का सूट पहनते, ये बात सिर्फ कांग्रेसियों को पता लगता है, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा और इटली के दलाली के साथ सिर्फ उन्होंने सूट ही पहना था, कुछ नहीं किया था। इजिप्ट की सदस्यता ले लेते हैं, देशद्रोहियों के साथ रहने वाले ये कांग्रेसियों को ही है सूट की कीमत पता चलती है, और किसी को नहीं पता, क्योंकि वो झूठ के फरेब में पड़े हैं, केवल वो इटली के दलाल जो है कांग्रेस के लोग। शर्मिंदगी आपको, आपको इससे शर्मिंदगी नहीं आएगी, लेकिन इटली के दलालों से क्या शर्मिंदगी देख रही है। बाकी गेस्ट भी हैं, क्योंकि अगर वो मुद्दे को भटकाने लगे तो पूरा वक्त ही जाया हो जाएगा। अरे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लगातार जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां हार रही है। सवाल सुनिए ना, लगातार हार रही है। इसी उत्तर प्रदेश में इनके तमाम सांसद निकल के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसी असफलता के कारण है। सावित्री बाई फुले को एक दलित को ले जाइए भारतीय जनता पार्टी ने ले जाइए। आज सावित्री बाई फुले जी बहराइच से कांग्रेस की कैंडिडेट होकर इनको जवाब, क्योंकि आपके पास अपने कैंडिडेट तक नहीं है, उत्तर आपके पास अपने कैंडिडेट तक नहीं है, जाति और धर्म के लोग। अरे रायबरेली और अमेठी की सीट बचाओ, ये सिर्फ इस बात का प्रतीक है, रायबरेली और अमेठी की सीट बचाओ और कुछ नहीं है। बीजेपी के झूठ, बीजेपी के तमाम वादे और दावे आज फर्जी। 55 साल में क्या किया कांग्रेस ने, देश को लूटा बेचा और कुछ नहीं किया, देश का बंटवारा किया, आज टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के साथ खड़े होते हैं कांग्रेस के लोग, देशद्रोहियों को जी बोलते हैं, यह है कांग्रेस की असलियत। उसी तरीके से टूट जाएगा, उसी तरीके से मान मर्दन होगा। अरे कुछ नहीं मान मर्दन होगा, कांग्रेस का जो मान मर्दन हुआ था 2014 में, जो बचे 4-4=0 वो होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राज बब्बर जी के नेतृत्व में, राज बब्बर जी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे राज बब्बर जी के नेतृत्व में। लोगों की भी सुन लीजिए, पता है मुख्य मुकाबला इस बार 2019 में हमेशा की तरह कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच है, हमें पता है, और यहाँ पर भी मुकाबला वो दिख रहा है डिबेट शो में भी। शकील अहमद जी, कांग्रेस के हाथ तो मजबूत हो रहे हैं, सावित्री बाई नहीं, बीजेपी खत्म पार्टी हो गई है, रजनी जी भारतीय जनता पार्टी खत्म पार्टी हो गई है। श्यामाचरण जी, आपके पास आपके हाथ कितने मजबूत हो रहे हैं, अभी और लोग शामिल होंगे क्या, टिकट देंगे आप उन्हें? जी बोलिए शकील अहमद जी, लगता है आवाज नहीं आ रही है। प्रेम कुमार जी, आप क्या कह रही, रजनी सिंह जी मैंने आपका सवाल सुना नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। कांग्रेस के हाथ तो काफी मजबूत हो रहे हैं और जो उनकी पार्टी में आ रहे टिकट भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आप सवाल ठीक है मैं आपसे कह रही हूँ, और कितने लोग शामिल हो रहे हैं, किन्हें आप टिकट दे रहे हैं, डील पहले से तय हो जाती है क्या कि आप आइए हम आपको टिकट देंगे? आपसे शुरू में रजनी सिंह जी, समाजवादी पार्टी में कोई डील नहीं तय होती है, वो हमारी सिद्धांतों की पार्टी है, मुद्दों की पार्टी है, ठीक है, और कोई डील तय नहीं होती है।
जहां तक रहा सवाल टिकट देने न देने का, लोकतंत्र है, कौन किस पार्टी में आता है कहां जाता है वो वक्त बताएगा। समाजवादी पार्टी और बहन कुमारी मायावती और आईएलडी का मेरा गठबंधन है, मैं विकास के नाम पे इस गठबंधन में चुनाव में जा रहा हूं, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध में जा रहा हूं, ठीक है, और विकास के नाम पे जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे इसे मुद्दे की भटकाने की बात ये लोग करते हैं, ये विकास का एक भी काम बता दे इन 5 सालों में अगर इन्होंने किया हो। आप श्यामाचरण गुप्ता जी की बात क्यों कर रही हैं, बहराइच की सांसद है, साक्षी महाराज जी हैं उन्नाव के, आप बताइए ये लोग भी तो बराबर इनको पानी पीपी के गाली बना रहे हैं। पूरे 2 साल इनको पानी पीपी गाली, इनको पानी पीपी के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली बकते रहे। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए रजनी सिंह जी। इन्होंने अभी कहा कि हमारे वहां बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, बहुत से नेता हैं जो निगम और पार्षद नहीं बने, सोहेल जो पार्टी को इन्होंने अभी निगम बना दिया, ओम प्रकाश राजभर जी इनको गाली बकते थे पानी पीपी के, क्या हुआ अब वो खामोश हो गए। तो एक भी विकास का काम बता दें, समाजवादी सरकार में जितने काम हुए सिर्फ इन्होंने फीता काटने का काम किया और शिलान्यास किया, एक्सप्रेस वे लैपटॉप समाजवादी सरकार ने बांटा, मेट्रो समाजवादी सरकार की, उसके बाद भी सरकार, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला, मैं तो 2014 में भी कुछ नहीं मिला था, विधानसभा चुनाव में भी कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, एस के मुखर्जी साहब आपसे यही सवाल, आप लोग क्योंकि साथ में ही है, गठबंधन ही है, क्या बागी जो है, बागी जो है इनको मिला के आप लोग जीत हासिल कर लेंगे क्या? पिछली बार तो 73 बीजेपी को गई थी, इस बार 74+ का उन्होंने अपना प्रधानमंत्री देने जा रहा है। थोड़ा एक मिनट अभी जो और ये अपने घमंड में ही चूर रहेंगे, कोई जाए आराम दयाराम, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब अपने आप में एक नेता है, सब नेता है, सबको टिकट दीजिए। मुखर्जी साहब क्या आपको प्रश्न था, एक सेकंड में बता दे, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ जी, मैं आप लोगों से सवाल यही कर रही हूँ, ये जितने भी बागी हैं बीजेपी के, एक सेकंड सर आप रुक जाइए, मुझे मौका दीजिए बोलने की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, सर सर मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रहे हैं, बाकी लोग भी वो नाराज हो जाएंगे, अभी कहेंगे कि रजनी मौका नहीं दे रही है मुझे बोलने का। ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल ये है कि जितने भी बागी हैं, ठीक है जितने भी बागी हैं बीजेपी के, वो अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, आप लोग की पार्टी में जा रहे हैं, क्या आप उनके दम पर नैया आपकी पार हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवादी पार्टी है, बीच में इंटरप्शन से प्लीज। ठीक है ठीक है, हमारा कहना यह है, जो भी आपने कहा बागी जिस शब्द को आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, यदि आपको बागी लगता है तो विनेबिलिटी आपकी है, विनेबिलिटी शब्द भी आपका ही है, यदि वो जीतने लायक है और आपको छोड़ करके आ रहा है तो बागी नहीं है, फिर तो वो जीतने के लिए एसेट है दूसरी पार्टी के लिए। क्या क्या, क्या 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 शब्द देंगे फिर आप उसे, अगर बागी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लिस्ट दिखाओ, देखिए टिकाऊ कैंडिडेट है, टिकाऊ कैंडिडेट है या बिकाऊ कैंडिडेट है, या टिकाऊ कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? टिकाऊ तो डेमोक्रेसी में आपके यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर इसलिए नहीं है, मुझे माफ करिएगा शब्द पूरा कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर इसलिए नहीं है कि आखिरी वक्त तक ये लिस्ट डिक्लेयर नहीं करते और इंतजार करते हैं, बात का इंतजार करते हैं कि कौन आदमी कब लौट करके आया है, ऐसा नहीं होता है। यदि आपके अंदर इतनी निष्ठा है अपने 10 लाख या 10 करोड़ उनके कार्यकर्ताओं के प्रति होती तो कम से कम ये चेंज करने की नौबत क्यों आती है? आप चेंज क्यों होते हैं, आपके कार्यकर्ता क्यों चेंज होते हैं, कहीं पर उनको भी आपके ऊपर अविश्वास होता है इसीलिए आपके पास से जाते हैं। और कोई अविश्वास है ये, इसीलिए बीजेपी छोड़ कर लोग अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, ये उसकी सीट क्यों चेंज की जा रही है, उसको क्यों बदला जा रहा है, ये आखिरी वक्त में लिस्ट क्यों आप लोग जारी कर रहे हैं, ये गठबंधन से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से इसको यहाँ उन्नाव वाले को इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले को गाजियाबाद, ये क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ये गठबंधन से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। रणनीति है सर, अपनी अपनी जवाब देंगे ना, अनिरुद्ध जी बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, वो पक्ष रखेंगे। देखिए गठबंधन का कोई डर नहीं, क्योंकि ये महामिलावटी लोग हैं, इनसे क्या डरना है, ये तो कोई अपना अपना कुनबा बचा रहे हैं। जवाब मैंने दिया, ये, ये लोग अपना अपना कुनबा बचा रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों को पता है कि 2019 के बाद में इन लोगों के पास में अपना अपना केवल जो हुआ था बस वही बचेगा और कुछ भी नहीं बचने वाला है, तो ये लोग खुद डरे हुए हैं, मायावती जी, अखिलेश जी आपस में मिले हुए, अरे कुछ नहीं बचने वाला भाई साहब, कुछ नहीं बचने वाला है, अरे बड़ा उदाहरण छोड़ दीजिए, 2019 में कुछ नहीं बचने वाला है,
आप लोग परिवार का विकास किए हैं, केवल आप विकास की बात करते हैं। आपने सफाई को विकास बनाया, सफाई को यूपी बनाया, यूपी सफाई, सफाई यूपी, सफाई के विकास का नाम बता दीजिए। यूपी का विकास पांच साल में आपने क्या किया था आप बता दीजिए, पांच साल में कौन सा विकास किया था यूपी का? सफाई का विकास किया था आपने, केवल आपने सफाई का विकास किया, परिवार का विकास किया था, और आप बता रहे विकास की बात बता रहे हैं, आप विकास की बात बता रहे हैं। आपने सफाई का विकास किया था, माफ कीजिएगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिरुद्ध सिंह जी, तमाम जितने नेता जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल वही मुद्दे की बात में कि क्या टिकट का टेंशन सता रहा है पार्टियों को, और क्या दल बदल से तमाम पार्टियां अपनी सरकार बनाने में जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही कोई दल बदलता है फौरन उन्हें गिफ्ट में टिकट दी जाती है। अब देखते हैं होता है क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव नजदीक है और 23 तारीख को पता चलेगा ये दल बदल का कितना फायदा नुकसान होता है। लेकिन तमाम अहम खबरें आप देखते रहे इंडिया वॉइस पर, मुझे दीजिए इजाजत।